डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री एमसीक्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, न्यूक्लियोन्स किसे कहते हैं जो न्यूक्लियस में रहता है। तो मेनली कौन रहता है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही। क्वेश्चन नंबर टू है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट बिकॉज, क्योंकि वो चार्जलेस था इसलिए बहुत लेट हो गया उसके डिस्कवरी में। चार्जलेस है तो डिफ्लेक्शन ही नहीं करता था किसी प्रकार का, ना निगेटिव की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए इस पर ध्यान ही लोगों का नहीं जाता था, इसलिए इतना लेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि न्यूट्रॉन के डिस्कवरर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जेम्स चैडविक। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ की बात कहा, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इन्होंने बताया। ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, बाकी आप जो देख रहे हैं ये दूसरे दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरे केमिस्ट आए, उन्होंने बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। कौन सा है? तो देखिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यही इनकरेक्ट है क्योंकि ये होता ही नहीं है सेम। ठीक है, इट इज, देखिए ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, मिलता आपको लगेगा सब सही है। इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे निगेटिवली चार्ज, तो ये सब सही, यही एक गलत था। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड बताने वाले नील्स बोर थे, ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे रदरफोर्ड मार देते हैं जो गलत हो जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट की बात करने वाले नील्स बोर थे। ठीक है, जो रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक को नील्स बोर ने आके दूर किया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। सिक्स देखिए, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो हीलियम का नाभिक कहलाता है, हीलियम का न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम के पास भी टू और मतलब दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन होते हैं, तो 2 4 होता है, उसी तरह अल्फा में भी सेम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? तो एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिट डिस्क्राइब करता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि ई एन बड़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, और आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो ये क्या हुआ? एनर्जी एंड साइज को एक्सप्लेन करता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का करेक्टरिस्टिक कौन नहीं है? आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव होते हैं, आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यही ऑप्शन होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट नहीं होता है, एलिमेंट सेम ही होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल H11, H12, H13 है ना, ये सबके सब आइसोटोप्स है, एलिमेंट भी इनके सारे के सारे सेम ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें गया? सी गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? तो सही है, पॉली एक्सक्लूजन का ये स्टेटमेंट है, सब पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्वेश्चन नंबर टेन है, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल इज वन। तो एल यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल बराबर वन होता है, तो पी सबसेल होता है, और पी सबसेल का शेप डम्बेल होता है, मैंने पढ़ाया है आपको क्वांटम नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का खासियत होता है कि इसका जो होगा ना, आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास सेम होगा। तो ढूंढ के देखिए, आपका ऑप्शन बी जाएगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ और एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, इस तरह से 11 एमसीक्यूज हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस करते रहें आप एमसीक्यूज का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर विथ बेल आइकन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।